वही रामनगर में आयोजित हुए किसान पंचायत में पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित इस पंचायत में किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, वनाश्रित समुदायों को भूमि पर मालिकाना हक देने और जंगली जानवरों, इंसानों और फसलों की सुरक्षा करने समेत कई मांगों को लेकर मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। अमरजिंदर सिंह दीप सिंह वाला उपाध्यक्ष कीर्ति किसान यूनियन और मैं मेंबर हूँ संयुक्त किसान मोर्चा सा मोर्चे का। और आज हम जो यहाँ पर महापंचायत कर रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर में, ये मोदी सरकार को ये संदेश है कि जो बोलते थे कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, अब ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। और दूसरा जो बोलते थे कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, इस आंदोलन में भूमिहीन लोग, दलित, महिलाएं, सभी लोग कूद पड़े हैं, क्योंकि जो तीन जो कृषि कानून हैं ये तिहरे कत्लकांड की साजिश है जो किसान, मजदूर और ग्राहक का कत्ल कर देगी। और सारी खेती और खुराक को टाटा, बिरला, अमानी, अडानी जो बड़े कारपोरेट उनके हाथ में सौंप देगी। तो उनके खिलाफ आज पूरे देश में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी हो चुकी है। रामनगर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर आसिफ। किसान पंचायत में सैकड़ों किसान यहां पर पहुंचे और कृषि कानूनों को लगातार रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस तरह से तैयारी है घेरने की सरकार को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से जो देश में एक आंदोलन चल रहा है किसानों का आंदोलन, हालांकि वो तीन मांगों को लेकर के है, लेकिन इसके साथ ही किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अब कोई हरियाणा, पंजाब या दिल्ली का आंदोलन नहीं रह गया है, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया है। उसी के क्रम में रामनगर जो उत्तराखंड की कहीं ना कहीं आंदोलन भूमि है वहां पर भी एक रणनीति तैयार हो रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं। और इन्होंने जो है स्पष्ट किया है कि जब तक ये तीन कानून और इसके साथ ही जो स्थानीय समस्या है वो दूर नहीं होगी किसानों की, तब तक ये आंदोलन में जमे रहेंगे। और एक तरह से देखा जाए कि इसके लिए इन्होंने कितना भी उग्र आंदोलन क्यों ना करना पड़े, ये चेतावनी यहाँ पर ये दे दी गई है कि ये उसके लिए भी तैयार हैं और मजबूर होंगे और जो भी उसके लिए करना पड़ेगा वो करने के लिए ये तैयार हैं। जी आसिफ, वो बिल्कुल तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही। लंबे समय से मांग कर रहे हैं एमएसपी की गारंटी की, लेकिन कहाँ दी जा रही है गारंटी? देखिए, इसमें देखा जाए कि पूरे देश में जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं इसका नुकसान कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और लगातार जो है अर्थव्यवस्था नीचे हो रही है। और इन तीन कानूनों को जो है ट्रिपल मर्डर का नाम दिया जा रहा है, जिसमें किसान, मजदूर और व्यापारियों का मर्डर होगा। और एक तरह से इस तरह की बातें यहाँ पर किसान लोग कह रहे हैं कि किसान, मजदूर और जो देखा जाए कि व्यापारी है वो इसमें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और इस कानून को वो लागू नहीं होने देंगे। और इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी काफी बड़ा मूवमेंट बन चुका है जी। लेकिन आसिफ, जहां सुरक्षा की भी मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, तमाम वहां पर जो पशु पक्षी हैं सभी की सुरक्षा की मांग की गई है, उसको लेकर क्या किसी तरीके का आश्वासन मिला है उन्हें? देखिए, आश्वासन कहीं पर नहीं मिल रहा है, अभी तक कुछ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है कि कहीं से भी किसानों को कोई आश्वासन मिल रहा हो कि तब तक जो है ये समस्याएं दूर हो जाएंगी या उनकी मांगे कब तक मान ली जाएंगी। इसी के क्रम में ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से अभी एक तरह से चरणबद्ध तरीके का ये आंदोलन दिख रहा है तो एक बहुत बड़ा ये मूवमेंट साबित होगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड देश के लिए जो है, उत्तराखंड और देश के लिए बहुत बड़ा आंदोलन साबित होगा जी। शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए।